In this video of interpretation of statutes, we are going to discuss the most important question of interpretation of statutes, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो इस वीडियो में हम उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील करेंगे और हम ये समझेंगे कि किस तरह से अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हम उसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में. राइट, सो द क्वेश्चन इज कोर्ट्स कैन डिक्लेयर द लॉ. राइट, दे कैन इंटरप्रेट द लॉ, दे कैन रिमूव द ऑब्वियस लैक्यूने एंड फिल द गैप्स, बट दे कैनॉट इंट्रेंच अपॉन इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन प्रॉपरली मीट फॉर लेजिस्लेटर. सो द क्वेश्चन इज लॉ क्या है, उसे डिक्लेयर करने का काम कोर्ट्स करती हैं, लॉ के इंटरप्रिटेशन का काम कोर्ट्स करती हैं, और इन केस लॉ मेकर्स ने कुछ मिसिंग पार्ट्स छोड़ दिया है, किसी टेक्स्ट या किसी वर्ड को ओमिट कर दिया है, तो कीपिंग इन माइंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कोर्ट्स क्या करती हैं? ये अनुमान लगाती हैं कि लेजिस्लेचर किस वर्ड को यहां पर यूज करना चाह रही थी, यदि वो यूज करना भूल गई तो उस ऑब्वियस वर्ड को भी एंटर करने का काम कोर्ट्स करती हैं. लेकिन प्रॉपर तरीके से या कंप्लीटली कोर्ट्स लेजिस्लेशन का काम नहीं कर सकती हैं. क्यों? दिस इज द क्वेश्चन. राइट, तो आंसर क्या है इसका? द फंक्शन ऑफ जुडिशियरी इज टू इंटरप्रेट एंड एक्सपाउंड द लॉ. तो अपने अब तक के डिस्कशंस में हम ये समझते आ रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, इसके तहत जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन तीनों का अपना अपना फंक्शन है. लॉज बनाने का काम लेजिस्लेचर करता है, उन लॉज के इंप्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव करती है, और उन लॉज के इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशियरी करती है, यानी उन लॉज के व्याख्या का जो कार्य है वो जुडिशियरी का है. द फंक्शन ऑफ जुडिशियरी इज टू इंटरप्रेट एंड एक्सपाउंड द लॉ एंड नॉट टू लेजिस्लेट इट, एज दैट फंक्शन इज असाइंड टू लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट. तो लेजिस्लेशन का काम जुडिशियरी इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो काम लेजिस्लेचर का है, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ओनली. The theory of separation of powers enumerates that law making is the function of legislature. तो separation of power का जो concept है, शक्तियों के पृथककरण का जो concept है, वो clearly ये कहता है कि law बनाना judiciary का काम नहीं है, लेकिन laws का interpretation करना, कानून का व्याख्या करना, निर्वचन करना ही judiciary का काम है. And the judiciary has been given the role of interpretation and declaration of that law. तो interpretation के माध्यम से judiciary ये efforts लगाती है कि इन laws को बनाने के पीछे legislature का intention क्या था. तो इस तरह से judiciary laws के declaration का भी काम करती है. The theory prohibits each organ of the state to entrench upon in the field of other organs. और theory of separation of power दूसरे organ को restrict करती है कि आप दूसरे organ के function में किसी प्रकार का interference नहीं करोगे. यानी law बनाने का काम अगर legislature का है तो judiciary किसी भी तरह से in the making of law लेजिस्लेचर के एक्ट में किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं कर सकती.
ना ही एग्जीक्यूटिव में किसी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस कर सकती है एंड वाइस वर्सा। और यही सेम कॉन्सेप्ट लेजिस्लेचर पर और एग्जीक्यूटिव पर भी एप्लीकेबल होता है। That's why the courts can act the most remove obvious lacune and fills the gaps, but they cannot imply anything not expressly provided for by statute itself. So by the ways of interpretation, अगर कोई word use किया गया है legislature के द्वारा जिसके दो या दो से अधिक meanings निकल रहे हैं, यानी there is problem of ambiguity, जो वर्ड यूज किया गया है उसका कोई डेफिनेट कोई सिंगल मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो उस प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। लेकिन यहां भी एक लिमिटेशन जुडिशरी की यह है कि अगर कोई वर्ड्स कोई टेक्स्ट एक्सप्रेसली यूज नहीं किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो अपने तरफ से उन टेक्स्ट उन वर्ड्स को जुडिशरी नहीं ला सकती है। तो एक लिमिटेशन ये है वॉइड इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मेड बाय लेजिस्लेचर। बट समटाइम्स सिचुएशंस कम बिफोर द कोर्ट्स वेयर द लेजिस्लेचर फेल्स टू क्लियरली एक्सप्रेस इट्स इंटेंशन ईदर ड्यू टू इनएप्ट ड्राफ्टिंग और बाय यूजिंग एम्बिग्यूस टर्म्स। लेकिन कभी कभी because of bad draftsmanship by the lawmakers, lawmakers कभी कभी laws बनाते समय किसी word को miss out कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या intention था उस statutory provision को add करने का, अब क्योंकि proper drafting नहीं हुआ है तो there is possibility of ambiguity कि हम उस statutory provision में किस वर्ड को यूज करें ताकि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को हम बखूबी डिराइव कर सके। देन द कोर्ट्स हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एज इट इज देयर टास्क टू गिव मीनिंग टू द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट। तब यहां पे जुडिशरी वेरियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करती है और ये इन्फरेंस ड्रॉ करती है कि संभवतः लेजिस्लेचर इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करना चाहती थी लेकिन गलती से उस वर्ड को यूज करना लेजिस्लेचर भूल गई। तो अभी भी हमें यही ध्यान रखना है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था। अगर कोई प्रोविजन या कोई वर्ड एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं है बाय द लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी अपने आप से उन वर्ड्स को नहीं लिख सकती है। तो जो कुछ भी करेगी जुडिशरी वॉज इंटरप्रेटिंग दिस statutory provisions, judiciary must keep in the mind the intention of legislature, right? The courts have to decide the particular and specific problems before them with the help of general statutory provisions, and for this purpose they employ various rules of interpretation. To aisa karne ke liye courts kya karti hain, various rules of interpretation ko adopt karti hain aur ye unke discretion par depend karta hai ki wo किस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज में लाएंगे। Thus, the various rules of interpretation serve a valuable purpose, that is assisting the courts in arising at a definite and clear meaning and intention of legislature behind the words used. तो इन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के माध्यम से courts help करती हैं कि legislature के true intention को interpretation के माध्यम से derive out किया जा सके। The object of all the rules of interpretation is to determine what intention is conveyed either expressly or impliedly by the language used. Right? All the rules of interpretation emphasize the fact that duty of judges is to expound and not to legislate is the fundamental rule. The rule of interpretation करते समय judiciary हमेशा ये ध्यान में रखेगी कि लॉ बनाने का जो प्राइमरी फंक्शन है वो लेजिस्लेचर का है, उनका नहीं है। केवल कानूनों के निर्वचन का कार्य न्यायपालिका का है, लॉज बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। लेकिन यहां पे एक मार्जिनल एरिया होता है, राइट, इन विच कोर्ट
mould or creatively interpret legislation, and they are thus finishers, refiners and polishers of legislation which comes to them. लेकिन interpretation करते समय किस rule of interpretation को use में लाया जाएगा, किस तरह से interpretation किया जाएगा? Keeping in mind the intention of legislature, उन statutory provisions में किस word को use किया जाएगा जहां प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी है? तो ऑब्वियस ही बात है कि जो फाइनल प्लेयर्स होते हैं वो जुडिशियल अथॉरिटीज होते हैं, क्योंकि वो अपने बेसिस पर उन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसे माउल्ड करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं. सो दे आर द पॉलिशर्स ऑफ लेजिस्लेशन. And this is possible by the rule of interpretation. तो यहां एक marginal area है जहां वो इन सभी acts को कर सकते हैं, statutory provisions में polishing का काम कर सकते हैं, refining का काम कर सकते हैं, उन्हें mould कर सकते हैं. लेकिन ये सब जो काम होगा उसमें जो priority रहेगा वो legislature के intention को derive करना होगा, और जो चीज expressly या impliedly लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं दिया गया है उसे नहीं लाया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेचर का है लेकिन इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशरी का है. तो इसलिए, और चूंकि हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है जिसमें तीनों ऑर्गन्स के अपने अपने एरियाज ऑफ वर्क है, और कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के एरिया ऑफ वर्क में किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में लॉ बनाने का जो पावर है वो लेजिस्लेचर के पास है. तो इसलिए लॉ बनाने का जो प्राइमरी फंक्शन है वो केवल और केवल लेजिस्लेचर के पास है, और ये कभी भी जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन नहीं हो सकता, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के इस शॉर्ट वीडियो में हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील किया. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.